नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में प्याज के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। कई स्थानों पर प्याज 80 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और ऐसे में अब सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोलने जा रही है। अगले महीने शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान प्याज का मुद्दा विधानसभा में गूंज सकता है, इसके संकेत भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा सत्र में जिन मुद्दों को पार्टी प्रमुखता से उठाएगी उनकी जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्याज की कीमतों, किसानों की कर्ज माफी के दौरान किए गए छलावे और प्रहलाद सिंह लोधी की सदस्यता के जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे और इस पर कांग्रेस सरकार को घेरा जाएगा। प्रहलाद लोधी जी को जिस कानून के तहत सदस्यता उनकी गई थी उसकी सजा पर ही हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इसलिए कानून क्या कहता है, विधि मंत्री जी को इसका भान होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वो कानून मंत्री हैं। जहाँ तक सवाल के वो पूर्व विधायक हैं, तो ये कोई मंत्री तय नहीं करता। अगर वो पूर्व विधायक हैं, तो क्या चुनाव आयोग ने स्थान रिक्त घोषित कर दिया है? स्थान रिक्त घोषित क्या माननीय मंत्री जी करते हैं या मध्य प्रदेश सरकार करती है या विधानसभा अध्यक्ष करते हैं, ये स्पष्ट करें। और अगर स्थान रिक्त हो गया है तो क्या चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है? वहां पर जो स्थान रिक्त हुआ ही नहीं है आज तक की तारीख में, चुनाव आयोग ने उसको रिक्त घोषित नहीं किया। अगर इनके पास कोई प्रमाण हो तो इनको मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहिए। वो आज भी विधायक है, वो विधायक रहेंगे और विधानसभा जाएंगे, विधायक के नाते अपनी सीट पर बैठेंगे। किसान कर्ज माफी अकेला विषय नहीं है मित्र, विषय मूल है कि नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर ये आए, दिया क्या? नहीं दिया। 2 लाख का 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने का कहा था, 10 महीने हो गए, किसी एक का भी 2 लाख माफ किया क्या? नहीं किया। बेटियों को स्कूटी देने का कहा था, दी क्या? नहीं दी। लैपटॉप देने का कहा था, दिया क्या? नहीं दिया। संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का किया था, किया क्या? नहीं किया। इन्होंने कहा था 31,51,000 देंगे, 31,000 बेटियां हमारी शादी के बाद में ब्लॉक के चक्कर लगा रही हैं, दी क्या? नहीं दी। पुलिस को अवकाश देने का कहा था, दिया क्या? नहीं दिया। कुछ भी नहीं दे रहे हैं और आज तक एक नया काम का पत्थर नहीं लगा पाए हैं। हमारे कामों के शिलान्यास करके अपने सिर पर सेहरा बांधने की कमलनाथ सरकार की जो कोशिश है, ये जनता अच्छी तरह से जानती है। मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार प्याज को सस्ते दामों पर बेचे, और हमने बेचा है और हमने खरीदा है। जब भाव कम हुए तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने खजाने से गोदामों में प्याज को भरा, भले वो प्याज खराब हो गया, लेकिन जनता किसान पे हमने बोझ नहीं बनने दिया और जनता को सस्ते रेट पर बेचा, जनता पर भी लोड नहीं आने दिया। सरकार का यही तो काम है कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, आपदा विपत्ति की घड़ी आती है, तो आए जाए जनता के बीच में। वल्लभ भवन से बाहर निकलने की आदत ही नहीं है मुख्यमंत्री जी की। पूरे प्रदेश के अंदर अतिवृष्टि हो गई, बाढ़ हो गई, गए ही नहीं। भोपाल में ही 9 बच्चे मर गए, डूब के गए ही नहीं। प्रदेश में कोई भी घटना बड़ी हो जाए, दुर्घटना बड़ी हो जाए, जाना ही नहीं है। कॉरपोरेट कल्चर से सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, जो अच्छा नहीं है। निश्चित तौर पर जो ब्याज का रेट बढ़ा है उस हिसाब से वो है, लेकिन प्रशासन इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि ब्याज के भाव गिरे, कम भाव में मिले, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसा द्रव्य खाने के लिए कि हर एक घर में, लगभग हर एक घर में इसका इस्तेमाल होता है। और निश्चित तौर पर और कैसे कम हो, 70 रुपये बेच के प्रशासन एक दबाव क्रिएट कर रहा है, उसके बाद ये और कम आएगा, क्योंकि जब 50 रुपये बेच जाता तो और कम आ गया था। और जो होर्डिंग कर रहे हैं जो व्यापारी, इसका उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत जल्दी भाव कम आएगा।
पेप्टिक टाइम पर इस वक्त के लिए इतना ही। फिर हाजिर होते हैं तमाम खबरों के लिए। आप पढ़ते रहिए peptictime.com, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें, ताकि खबरें आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। नमस्कार।